Hey guys, स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद जैज की एक और नए एपिसोड के अंदर। आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है कि आज का ब्लॉग किस बारे में होने वाला है। तो प्लान हो रहा है अभी सिटी पैलेस जाने का। सिटी पैलेस के बाद क्या क्या प्लान होता है आपको सब कुछ दिखाता रहूंगा उस ब्लॉग के अंदर। तो अब चलते हैं, बाइक रेंट पर लेते हैं और चलते हैं यहाँ से सिटी पैलेस की। आ चुके हैं गाइस यहाँ सिटी पैलेस के यहाँ पर आसपास, और ये सिटी पैलेस और बाकी गाड़ी यहाँ पर पार्क करेंगे। अब टिकट करवाते हैं गाड़ी की पार्किंग का, अब देखते हैं क्या होता है। हियर आई गॉट द टिकट फॉर माय व्हीकल, और बाकी ये है यहाँ का जो भी डिटेल्स है पॉज करना और पढ़ लेना। बाकी जो एक वयस्क का टिकट है 400 का है, बच्चे का 150, और जो 5 साल से कम के उनका निःशुल्क है, और दिव्यांग जो हैंडीकैप है उनका निःशुल्क है, और बाकी स्टूडेंट का और जो सैनिक वगैरह हैं सीनियर सिटीजन आप सारा पढ़ सकते हैं गाइस। अब करवाते हैं यहाँ पर टिकट। ये है यहाँ का टिकट काउंटर। Here I got the ticket. चलते हैं अंदर। कितना प्यारा व्यू है यहाँ की एंट्रेंस का। ओ भाई साहब, ये चली हमारी गाड़ी। यहाँ पर हम लगाएंगे गाड़ी पार्क। ये है इसका मेन एंट्रेंस, और ये यहाँ की पार्किंग, और बाकी ये पूरा का पूरा सिटी पैलेस। अब चलते हैं अंदर, क्या क्या है सिटी पैलेस के अंदर दिखाते हैं। अब एंटर करते हैं, आपको दिखेगी यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स, ट्रेडिशनल ज्वेलरीज, बाकी बैग्स और बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पर। गाइस ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाहर ये देखो यहाँ पर इतना बड़ा हाथी, और ये पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा महल है यार, सबसे बड़ा महल है पूरे राजस्थान का, और ये मेन गेट है यहाँ का। इसके बाहर बना हुआ है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट, और आपको हर जगह यहाँ पर जैसे ये भैया खड़े हैं आईडी टांग कर, ये टूर गाइड मिलते रहेंगे। इनका चार्ज होता है 500 रुपीज़ पर 5 पर्सन, और ये भी एक जगह है शायद, पता नहीं क्या है ये, एक बार देखते हैं। ये भी शायद टिकट काउंटर है यहाँ का, ये दूसरी एंट्रेंस है। तो गाइस ये पूरा का पूरा महल, और जो यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं शायद वो चीज़ें हैं ये, और ये थाली 150 रुपीज़ की दाल बाटी थाली, और ये सिटी पैलेस म्यूज़ियम का मुख्य द्वार, और बाकी सामने कैंटीन है, वॉशरूम है, बाकी सारी अवेलेबल चीज़ें हैं यहाँ पर। पूरी डिटेल्स को यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये महाराणा उदय सिंह जी का पार्ट 2 का, महाराणा प्रताप फर्स्ट, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह फर्स्ट, महाराणा जय सिंह, पूरी डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी तो है फोन की कि आपको दिख जाएगा पूरा यार। ये देखो यार किन्होंने कब कब राज किया, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। हम जिसने जा रहे हैं मर्दाना महल के अंदर, आप देख सकते हैं कि गेट्स और जमाने का पत्थर, ये पूरी द हाउस ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की पूरी हिस्ट्री। सूर्य वंशा पतंश रघुवंशी मेद्रक पुरिये गृपी लोहत कुल, ये हो गाइस पूरी लिस्ट। ये लाइट फ्लिकर हो रही है यहाँ पर, पंखा चल रहा है इसलिए यार। टाइम का पूरा लोहे का कवच। तो गाइस आ चुके हैं महल के अंदर, अब देखते हैं महल में पुरानी पुरानी क्या क्या चीजें हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कवच पूरा लोहे का, कितना वजन हुआ होगा उस टाइम, और बाकी ऊपर का काम देखो यार। गाइस महाराणा प्रताप का कवच, ये चीज क्या है, ये घोड़े के मुंह पर जो लगा हुआ है, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। और बाकी पूरा लोहे का काम है यार, इसके ऊपर जो कवच बनाया हुआ है पूरे लोहे का है भाई साहब। वाइड एंगल में देखना कितना बड़ा है, देखो यार माने की ढाल, त्रिशूल, क्या क्या चीज़ें हैं यार, तलवारें हैं, ये हाथ में पहनते हैं वो चीज़ें शायद, ये सेकंड वाली। और हर जगह आपको पंखे ज़रूर मिल जाएंगे यार, इतनी गर्मी नहीं लगेगी यहाँ पर। और बाकी ये देखो पूरा लोहे के कवच ढाल। आ जाएगा
गाइस स्पीयर विद फ्लिंट लॉक गन, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी देखते हैं क्या क्या है। जो कोटा के म्यूजियम के अंदर है ना, उस तरह की चीज़ें हैं ये, बट ये उससे डिफरेंट है यार, ये देखो। और ऊपर का पूरा एरिया, यहाँ पे पंखा लगाया है सामने, क्या टूरिस्ट आए उनकी दिक्कत ना है। देखते हैं सामने क्या है, ये क्यों पता नहीं हो पाता, लाइट पढ़ सकते हैं यहाँ सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत दिख जाएगा आपको फूड के में, पूरा दिख जाएगा आपको साहब। गन्स देखो यार तुम, उस ज़माने की अलग अलग गन्स, और ये नीचे शायद हाथों में पहन के इनको चलाया जाता था उस टाइम, मूवीज़ में देखा है बहुत सी बार। और ये है ये कक्ष अस्त्रों की मरम्मत की कार्यशाला को दर्शाने हेतु तैयार किया गया है। मतलब उस टाइम जब रिपेयरिंग होती हुई गन्स वगैरह की, तो उस टाइम ऐसा होता था। आप देखो गन्स यार उस टाइम की, देखो पूरी स्वॉर्ड्स, ढाल, मशाल, डिटेल्स पढ़ते जाओ नीचे। अब आप वाइड एंगल में व्यू देखो यार, गन्स ही गन्स, गन्स ही गन्स, इधर भी गन, उधर भी गन, इधर भी गन, और नीचे भी गन, और इधर ये स्वॉर्ड्स, ढाल, ये देखो गन्स, स्वॉर्ड्स, तलवारें, और बाकी ये देखो छोटे छोटे खंजर, छोटी छोटी गने जिसे हम बोलते हैं रिवॉल्वर, सिक्स राउंडर, और ये तलवारें अलग अलग डिजाइन की। ओह यार गाइस इनकी नक्काशी देखो, प्रॉपर सबके नंबर लिखे हुए हैं, जो जो नंबर आपको समझ में आए उसको यहाँ पर पॉज करके देख लेना आपके अकॉर्डिंग। देखो गाइस छोटी सी तो का पूरा कंपाउंड, गाइस ये देखो महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, इनकी पूरी डिटेल्स पढ़ना गाइस, आपको ये देखकर इनका एक फ़ोटो देख, मतलब जो मूर्ति बनाई है उसको देखकर कुछ चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि एक हाथ नहीं है और एक आँख बंद की हुई है, आप देख सकते हैं गाइस। गाइस पूरा मिरर वर्क, कृपया कांच वन्य वस्तु के हाथ ना लगावे। तो हम चलते हैं महाराणा प्रताप कक्ष के अंदर, सामने देख सकते हैं पढ़ लेना यार। देखो उदयपुर का सीन, आप उदयपुर, और आपको उदयपुर में कांच वाला सीन ना मिले ऐसा नहीं हो सकता यार, देखो। और गाइस ये है हल्दी घाटी की पावन मिट्टी, ये गाइड समझाते हुए पूरा पूरा कैसा क्या हुआ था उस जमाने में युद्ध। और ये देखो यार ओल्ड पैडलॉक फॉर मेन गेट्स, इस तरह के ताले, और मशाल देखो यार, गाइस रीड दिस, रीड दिस गाइस,
जिस तरह के लॉक किए हुए हैं यहाँ पे पुराने दरवाज़ों पर। ये देखो यहाँ की छोटी सी बावड़ी, पता नहीं क्या है ये, उस जमाने में क्या हुआ करता था यहाँ पर। और देखो यार ये सिटिंग के लिए जो बनाए गए हैं पूरा मार्बल का है शायद, पता नहीं कैसा पत्थर है। ये देखो गाइस पूरा का पूरा प्यारा का प्यारा व्यू। ये देखो गाइस महाराणा प्रताप फतेह सिंह जी। गाइस जैसे कल आपने बागौर की हवेली में देखा था मिरर हाउस, तो यहाँ भी है एक पूरा का पूरा मिरर हाउस। ये पूरा का पूरा उदयपुर शायद सामने है करने वाला माता पैलेस। गाइस ये रहा एक प्रपोज्ड लेआउट ऑफ सज्जनगढ़ फोर्ट जहाँ हम शायद जाएंगे। ये देखो दरवाजे। गाइस आप इस फोर्ट की विंडो देख सकते हैं बाहर का ताज पैलेस। और देखो यहाँ भी बोटिंग चलती रहती है, ये बोट चल रही है। और ये पूरा होटल का व्यू, छोटा सा व्यू। ओल्ड आइवरी डोर, हाथी दांत का पुराना दरवाजा। गाइस देखो उस टाइम पे शायद झूला है या पता नहीं क्या है, हाँ झूला ही है। और ये ट्रेडिशनल सिटिंग अरेंजमेंट फॉर महाराणाज। और ये लैम्प देखो, मतलब हर कक्ष की एक अलग वाइब है यहाँ पे, मतलब कलर्स आप देख सकते हो अलग अलग वाइब वाले कलर्स। देखो यार जी यहाँ का मोर चौक पूरा का पूरा व्यू। एक और अलग वाइब यार, वाइट वाइट वाइट। और ये पता नहीं संदूक है क्या है, ओ भाई स्मृति चिन्ह शायद, ये पता नहीं कौन सा रूम है। ये गाइस असेंबली रूम जिसको बनवाया था महाराणा प्रताप सिंह जी ने। महाराणा भोपाल सिंह जी का वजन करने का काटा देखो उस टाइम में कैसा था। गाइस देख सकते हैं कुंडी पीछे लटकाई हुई है। और ये पूरा माणिक महल, ये हुआ मोर चौक फ्री पच्ची कारी, इसका निर्माण करवाया था महाराणा सज्जन सिंह ने। अब चलते हैं यहाँ से नीचे, अब देखते हैं नीचे और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। देखे थे उस तरह के बड़े बड़े पॉट्स, देखो यार और महल के अंदर। ओहो भाई उस टाइम की सिगड़ी वगैरह और ये बर्तन उस जमाने के, गेहूं पीसने की चक्की, बेलन, चिमटा, छोटा सा मटका। ये देखो चमचियां, कांटे, ये कांटे उस जमाने चलते थे यार चटनी बांटने का, नींबू का रस निकालने के लिए। ये तो अभी के हैं यार, मुझे लगता नहीं ये पुराने होंगे। ये प्लेट्स ये तो अभी की लग रही है मुझे यार, इतनी बड़ी बड़ी केटल्स। ये चांदी का पलंग देखो यार, ये उनका प्राइवेट अपार्टमेंट है। फैन,
देखो जब देख सकते हैं एक और रूम की अलग सी वाइब। गणगौर ऐसे मनाया जाता है पूरे मेवाड़ के अंदर, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ गणगौर घाट के यहाँ पर, उस पर कुछ इस तरह का माहौल रहता है। और ये देखो पूरी साथ सज्जा, यहीं कहीं मेरा भी होगा यार, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ यहीं कहीं पे होगा। शालोम बैकपैकर। ये देखो यार, उस टाइम गर्म पानी के लिए कुछ इस तरह यूज़ किया जाता था उस टाइम के संदूक। और ये कपड़े, वाह यार, तो गाइस रानी अंदर तैयार हो रही है और दासियां उसे तैयार कर रही है। देखो गाइस पूरा कांच, गाइस पूरा मॉडल वन, ये मॉडल टू, ये मॉडल थ्री, ये मॉडल फोर। भाई ये कमरे में आती है अचानक ठंडाहट फील हुई है यार। पता नहीं ठंडा कैसी रहती थी इन कमरों में। यहाँ बस मिलेंगे आपको स्ट्रक्चर्स ही स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स मैंने एक वीडियो पहले म्यूजियम की ओर बनाई थी, अब उसमें देख लेना यार, स्ट्रक्चर्स तो हर जगह ऐसे ही मिलते हैं, बाकी अलग भी हो सकते हैं। देखो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस चलते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। मेवाड़ के महाराणा को वॉयलिन गाइस, फ्लैट सितार, दूसरा सितार, सितारी सितार, हाउस, भारतीय बैंजो। हाँ बैंजो का नाम सुना होगा ना आपने, ये बैंजो, ये है इसराज, ये दिलरुबा, ये तानपुरा, रेडियो, ग्रामोफोन, ये तानपुरा। देखो यार पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर, पियानो गाइस, पियानो, ये शायद रेडियो है उस टाइम के, पियानो रेडियो, शायद एग्जिट है, अब तो शायद एग्जिट है, देखते हैं क्या है। बाकी नीचे रेस्टो है, अगर ख़त्म हो जाएगा ये जो भी है तो नीचे जाकर खाना खाएंगे, देखते हैं। पर मैप्स और बस यही चीज़ें हैं, थोड़ा लाइट। अरे भाई फिजिक्स में पढ़ा था उसके बारे में। और ये मेजरिंग चेन, स्केल्स, सेक्सटेंट, कंपास। ये कौन सा मैप है यार, लेक्स ऑफ मेवाड़। ये देखो गाइस पूरा उदयपुर शहर। अच्छा 1837 में जिसको बनाया गया था। उर्दू मैप पूरे इंडिया का, पूरा उर्दू मैप। शायद कुछ चीज़ें लिखी होगी, शायद काटी हुई है, उन्होंने क्या है, पर बाकी पूरा उर्दू में लिखा हुआ है। ये पूरा वर्ल्ड मैप उर्दू में, ओ भाई पहली बार देख रहा हूँ ये चीज़, पूरा वर्ल्ड मैप उर्दू में। You can pause this and read this. This painting gallery. इतनी यहाँ पर क्या क्या है ऐसा? ये entrance है। Oh man! क्या शांति है यहाँ पर? एकदम शांति है गाइस यहाँ पर, एकदम शांति। लोगों को क्या पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है शायद।
ये क्या है, जेनियोलॉजी ऑफ द आर्टिस्ट तारा ऑफ मेवाड़। इसको याद है गाइस, कमेंट करके जरूर बताना है क्या है। बैठक के लिए या इनकी पेंटिंग्स बनाने के लिए यहाँ पर कुछ वुडन टेबल्स बनाई गई है उस टाइम की शायद। गाइस पालकियाँ, पता नहीं आगे तक ये क्या है। वाओ ड्रेसेस यार, बहुत सही। देखो यार कितनी बड़ी शॉल है, और ये राजमाता सुशीला कुमारी इन ब्लैक शॉल, उन्हीं की शॉल है। श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़ इन ब्लैक शॉल। अंग्रेजी गाइस, चेयर्स को अभी तक संभाल के रखा हुआ है, बताने उस जमाने के हैं शायद। ये क्या है? ओ भाई ये लेदर के हैं क्या? ओ भाई यार लेदर के बैग देखो यार, ये टाइपराइटर उस जमाने का, पता नहीं क्या है ये, बट ये लेदर के बैग यार बहुत सही। और ये देखो इंपीरियल जैकेट ऑफ जैकेट एंड हाफ अंग्रेखी, उस जमाने की इंपीरियल जैकेट हुआ करती थी ये। देखो महाराजा कुंवर भगवत सिंह इन इंपीरियल जैकेट एंड हाफ अंग्रेखी। ये रॉयल पालकी, ओ भाई इतनी सारी पालकियाँ। अब मत देखो पालकी नहीं, ये पूरा रेस्टोरेंट आ गया उस टाइम की पालकी। और बाकी शायद यही है म्यूजियम के अंदर अभी तक तो शायद। अब थोड़ा भूख लग रही है, अब बस खाएंगे पिएंगे। तो गाइस अभी तक तो यही था म्यूजियम के अंदर शायद जो दिखा हमने, और उसके अलावा अब थोड़ा पेट पूजा की जाएगी, खाना खाएंगे क्योंकि यहीं पे नीचे एक रेस्टोरेंट है। अब खाना खाने के बाद देखते हैं कि यहाँ के एग्जिट के अंदर कुछ और खास है या म्यूजियम के अंदर कुछ खास है या नहीं है। बस बने रहिए इस ब्लॉग के अंदर, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। और अगर मुझे लगा ब्लॉग लंबा हो रहा है तो मैं इस ब्लॉग को पार्ट 2-3 में कर दूंगा, तो बस बेफिक्र रहिएगा। बस अपना प्यार बनाए रखो यार इस ब्लॉग के अंदर, और बाकी जितने ही ब्लॉग डाल रहे हूँ बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने भी नहीं किया हो प्लीज़ यार। कुछ बोल रहा है यार, खाना तो नहीं बट एक्सप्रेसली है 50 रुपये का, ब्लैक करंट का बहुत अच्छा फ्लेवर है। और देखो और पीछे इसमें लिखा हुआ है मेवाड़ी दाल भाटी थाली एट 150 रुपीज़। इसमें एक ही पर्सन अनलिमिटेड खा सकता है 150 के अंदर अनलिमिटेड। इसमें चूरमा भी है, दाल भी है, बाटी भी है। बाकी अब देखते हैं बाहर क्या है, और चलते हैं यहाँ से। गाइस पूरा का पूरा व्यू, नाउ एग्जिट। ये गाइस देखो पूरा सिल्वर, पूरा का पूरा सिल्वर बग्गी, अंदर बग्गी है गाइस, वो पूरी चांदी की है। चलते हैं यहाँ से बाहर, अब थकान बहुत भयंकर है यार। सेंटर हुए थे और ले देकर पूरा घूम कर यहाँ से एग्जिट हो गया है गाइस। तो गाइस ये है पूरा का पूरा सिटी पैलेस। ओ भाई बहुत प्यारा लगता है यार। तो गाइस हो गया सिटी पैलेस घूम के, आपने देख लिया पूरा का पूरा सिटी पैलेस का व्यू। उसके अलावा आप जाने का मूड बन रहा है फतेह सागर झील, और वहाँ पर वैक्स म्यूजियम है, उसके अलावा मिरर हाउस है, और फतेह सागर झील के अंदर बोटिंग ना करें तो क्या मज़ा। बाकी इस ब्लॉग को मैं यही एंड करना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो लंबा देखें यार, क्योंकि क्या होता है ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डाल दूंगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें मेरी कहानी, मेरी जुबानी, आप मुस्कुराएंगे हम खुश होंगे। थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस वहाँ सिटी पैलेस से फ्री होकर मैंने बताया था आपको पार्ट 2 करूँगा इसको, तो आज पार्ट 2 में हम डालेंगे या तो अपना जू और सज्जनगढ़ पैलेस अगर गए तो वो डालेंगे, उसके अलावा फतेह सागर का जो एरिया है वो डालेंगे। अब टिकट लेते हैं, चलते हैं जू के अंदर, जू में क्या क्या है।